देवों के देव महादेव की कृपा जिस पर पड़ जाती है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि सोमवार के दिन आपको ये 7 संकेत मिलते हैं तो भगवान शंकर आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। आपके संकट जल्द ही समाप्त होने वाले हैं और आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। भगवान शंकर समस्त संसार के कणकण में वास करते हैं। अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा मात्र से ही महादेव अपने भक्तों के दुख दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान शंकर को भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव ही आदि हैं और शिव ही अनंत हैं। कभी वे गुरु के रूप में समस्त संसार को योग का ज्ञान देते हैं तो कभी वैरागी के रूप में स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर रहते भी हैं। सोमवार का दिन शिव जी को अति प्रिय है, इसलिए सोमवार के दिन शिव जी हर शिव मंदिर में विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों का दुख जरूर दूर करते हैं। इसलिए शिव पुराण में सोमवार के दिन का अति महत्व है और इस दिन शिव जी की पूजा करने का भी विधान है। जो भी सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करता है उस पे दूध, जल, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाता है, शिव जी उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। शिव जी जब अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो कुछ संकेतों के माध्यम से उन्हें ये बताते भी हैं। जो किसी पशु, जीव, जंतु, भक्त अथवा प्रकृति के किसी भी अंग द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में, जिससे आपको पता चल सके कि आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है क्योंकि महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है। पहला, नाग देवता के दर्शन। शिव जी को नाग अति प्रिय हैं, जो उनके गले में हमेशा विराजमान रहते हैं। सोमवार के दिन नाग के दर्शन होना शिव जी का आपसे प्रसन्न होना बताता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है और दरिद्रता दूर होने वाली है। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रमा के दर्शन। यदि ब्रह्म मुहूर्त पर आप उठते हैं और आपको चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के सिर पर विराजमान है। उसका ब्रह्म मुहूर्त में दिखना आपके लिए खुशियों का संकेत माना जाता है। एकांत में स्त्री पुरुष को देखना। यदि सोमवार के दिन एकांत में कोई पति पत्नी बात करते दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आप जिस कार्य के लिए निकले हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। सफेद नंदी के दर्शन। यदि सोमवार के दिन घर से निकलते समय आपको सफेद नंदी के दर्शन होते हैं तो शिव जी आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि नंदी शिव जी का वाहन है। अचानक सफेद नंदी के दर्शन होना शिव जी की कृपा का संकेत है। पांचवा, भरा हुआ घड़ा। यदि सोमवार के दिन आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तब आपको पानी अथवा दूध से भरा हुआ घड़ा दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। छठवां, काला कुत्ता। सोमवार के दिन घर में काले कुत्ते का आना नकारात्मकता को दूर करने का संकेत माना जाता है, जिससे आपके घर में हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। सातवां, भस्म। यदि सोमवार के दिन आपको कोई भस्म लगाया हुआ संत, व्यक्ति अथवा भस्म दिखाई भी पड़ जाती है तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। भस्म दिखने का मतलब आपके जीवन से कोई बहुत बड़ा संकट टल गया है और अच्छा समय शुरू हो गया है। सोमवार के दिन आपको भस्म लगाकर भी जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 7 संकेत जिनसे हमें पता चलता है कि भगवान शिव की आप पर कृपा बनी हुई है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।